तो आज हम बात करने वाले हैं वेब सॉकेट के दो इवेंट्स के बारे में। पहला है एमिट और दूसरा है ऑन। तो वेब सॉकेट का यूज़ क्यों होता है? वेब सॉकेट का यूज़ रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर जरूरत होती है डेटा जो है रियल टाइम में आए, और मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है ना रियल टाइम में आए और जाए, ठीक है, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा चैट एप्लीकेशन हो गया, उसमें हमें जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो रियल टाइम में जाता है और दिखता है, अपडेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ना हम वेब सॉकेट का यूज़ करते हैं। अगर इस चीज़ के लिए हम HTTP का यूज़ करें ना, HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करें, तो क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेस है ना काफ़ी वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें हमें मल्टीपल हर बार नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा। एंड देन हम चेक करेंगे कि कोई नया मैसेज है तो उसे डिस्प्ले करेंगे। बार बार हम सर्वर पर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर्वर भाई बताओ कोई नया मैसेज आया है तो उसे डिस्प्ले करेंगे। तो अगर मान लो मैसेज नहीं है और बार बार हम पोल कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट मार रहे हैं सर्वर पर, तो इट्स द रॉन्ग यूसेज ऑफ रिसोर्सेज ना। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो कि फुल डुप्लेक्स कनेक्शन होता है। इसमें क्या है कि क्लाइंट भी सर्वर को डेटा भेज सकता है और सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं एमिट और ऑन का यूज, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि हमने क्या डिप्लॉय किया हुआ है, क्या बनाया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। NPM रन टैब क्लाइंट को रन कर लेते हैं और यहाँ सर्वर में चलते हैं, इसको भी बोल देते हैं NPM रन टैब। स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है सर्वर आज, और सॉरी क्लाइंट, सर्वर तो स्टार्ट हो चुका है। DB का कनेक्शन भी सक्सेसफुल है। और तेरी इतने सारे कनेक्शन, लगता है काफ़ी टैब्स ओपन है पहले से। एक और कर लेते हैं। देख सकते हैं ये जो है ना एक चैट एप्लीकेशन है, जहाँ पर हम यूज़र को मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मैसेज जो है रियल टाइम में आएगा और जाएगा, देख सकते हैं रियल टाइम में अपडेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिना पेज को रिफ्रेश करें। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल जो है हमारे पास वो है ये वाला एड फ्रेंड का कन्वर्जन। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और कन्वर्सेशन को उड़ाते हैं सबसे पहले। इससे क्या होगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा, देख सकते हैं आप, नो कन्वर्सेशन अवेलेबल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, रियल टाइम में ना ये चीज़ जो है ना अपडेट होगी जब मैं ऐड फ्रेंड करूँगा दूसरे पेज से भी। तो इसका एक स्टांसर है यहाँ पे, ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया साइड बाय साइड ओपन। यहाँ पर हम चले जाते हैं ऐड फ्रेंड वाले पेज पे। अब देखना जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना ऐड फ्रेंड पे, तो वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएगा, मतलब तुरंत यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, तुरंत अपडेट हो जाएगा ये चीज़। और ये चीज़ कैसे होगा, वेब सॉकेट के थ्रू, और ये रियल टाइम में होगा। तो देखते हैं, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ देख सकते हैं रिसीवर आ चुका है और ये कन्वर्सेशन सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कोड में ये कैसे हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जो हो रही है ना एमिट और ऑन का यूज़ करके ही हो रही है। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है, चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्लाइंट में, क्लाइंट में देखते हैं क्लाइंट में क्या हो रहा है। तो ऑल यूज़र में चलते हैं, यहाँ पर जो है ना एक फंक्शन लिखा हुआ है मैंने क्रिएट कॉन्वर्सेशन का। ये क्या कर रहा है, ये हमारा फ्रेंड ऐड कर रहा है, ऐड फ्रेंड का यही यही फंक्शन है जो ऐड फ्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
इसमें हमारा रिसीवर आईडी हमें रिसीव हो रही है, ठीक है, और सेंडर आईडी हम लॉग्ड यूजर डॉट आईडी में से निकाल रहे हैं, जो मतलब जो अभी लॉग्ड इन है उसकी आईडी वही तो होगा ना सेंडर, तो वो सेंडर आईडी हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक इवेंट एमिट कर रहे हैं जो हम सर्वर साइड पर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, जिसको, तो उस इवेंट का नाम है क्रिएट कॉन्वर्सेशन, जो कि सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी लेके जा रहा है। और ये चीज़ जो है ना, क्रिएट कॉन्वर्सेशन, ये कॉल बैक रिटर्न कर रहा है जिसमें हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, और उस रिस्पॉन्स को हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस होता है तो हम मैसेज दिखा देते हैं, रिस्पॉन्स जो सक्सेस होता है तो मतलब कि सक्सेसफुल हो गया है, तो कन्वर्सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, और नहीं होता है तो एरर आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सर्वर पर कैसे हैंडल कर रहे हैं, यहाँ से ये सर्वर पर जाएगा, तो यह चलते हैं सर्वर में, सर्वर में एप डॉट जे एस में लिखा हुआ कोड ये रहा। तो करते हैं क्रिएट कॉन्वर्सेशन कहाँ है ढूंढते हैं, ये रहा, देख सकते हैं सॉकेट डॉट ऑन। ऑन क्या करता है, जो क्लाइंट से एमिट हुआ ना, जो इवेंट एमिट होता है उसे कैप्चर करने का काम आता है, तो सॉकेट डॉट ऑन ने क्या किया, इवेंट को कर लिया कैप्चर, अब इस पे करेगा प्रोसेसिंग, सेंडर आईडी आ गई, रिसीवर आईडी आ गई, और ये कॉल बैक रिटर्न करेगा, ठीक है, क्लाइंट को। तो हमने क्या किया, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज किया, उसके अंदर सबसे पहले क्या किया, कॉन्वर्सेशन का जो स्कीमा है ना उसके अंदर ढूंढने की कोशिश की, क्या मेंबर्स में ये रिसीवर आईडी और ये सेंडर आईडी पहले से तो नहीं पड़े हुए, मतलब पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करते, अगर पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो हम ये कॉल बैक रिटर्न कर देंगे, कन्वर्सेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड, और अगर नहीं करते हैं तो नया कन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे एंड देन उसे डेटाबेस में सेव कर लिया, उसके बाद एक कॉल बैक रिटर्न कर दिया, कन्वर्सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके ओके। उसके बाद हमने क्या किया, ये ऑप्शनल है वैसे तो, पर करना ज़रूरी भी है, चलिए देखते हैं, क्योंकि हमने यूएसपी डॉट एमिट कर दिया, कॉन्वर्सेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब क्रिएट हो चुका है, इस चीज़ को ना एमिट कर दिया, बता दिया सबको कि जो है ना कन्वर्सेशन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और इस चीज़ का ही यूज़ करके ना हमने रियल टाइम में अपडेट किया है, आइए देखते हैं कैसे, चलते हैं डैशबोर्ड वाले पेज पर। तो ये रही हमारी डैशबोर्ड वाली पेज, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हम देख लेते हैं, हाँ, एमिट कॉन्वर्सेशन क्रिएटेड नाम का एक इवेंट हमने एमिट किया है, और यहाँ पर हमने उसे रिसीव किया है डॉट ऑन करके, सॉकेट डॉट ऑन कॉन्वर्सेशन क्रिएटेड, ये रहा। इसमें क्या है, जब ये चीज़ एमिट होता है ना वहाँ से, तब हमने क्या किया, फेच कॉन्वर्सेशन वाला जो है ना फंक्शन को रीरन कर दिया इसके अंदर, बस बस इतना ही किया हमने, ठीक है। इससे अच्छा मेथड भी हो सकता है ये चीज़ करने का, पर एज अ बिगनर ये बहुत सही है अभी अभी के लिए, समझने के लिए, एमिट और ऑन को समझने के लिए, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक सा था, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है, ठीक है। और ये यहाँ से हम मैसेजेस कर सकते हैं, और ये हमने डिप्लॉय किया हुआ है, और इसका जो है ना जो डिज़ाइन वगैरह है काफ़ी अच्छा है, और ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, आई एम बैक एंड डेवलपर, सो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये चैप्टर एप्लीकेशन जो डिप्लॉय किया था मर्सल पर, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।